समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रविवार को मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि आज भाजपा वाले डबल इंजन की बात कर रहे हैं। उन्होंने अखबार पढ़ा है, कई जगह से सूचना मिल रही है कि दिल्ली की संस्था उत्तर प्रदेश के व्यापारी और गोरखपुर के व्यापारी के यहाँ छापा मार रही है। UPSTF दिल्ली में छापा मार रही है। सोचो, दिल्ली में प्रधानमंत्री जहाँ पर रहते हैं उसके आसपास के इलाकों में इतनी सुरक्षा है, इसके बावजूद उनका कोई वाईफाई यूज कर रहा है, कोई भाजपा के नाम पर धोखा दे रहा है, भाजपा के नेताओं से मिलकर धोखा दे रहा है। दिल्ली की बड़ी बड़ी एजेंसियों को यह पता नहीं चला कि वो कौन है, लेकिन यूपी की एसटीएफ को पता चल गया है। यूपी की एसटीएफ को जैसे ही पता चला कि वहां पर कोई है, वैसे ही दिल्ली की एक एजेंसी को पता चल गया कि गोरखपुर में कर चोरी हो रही है। ऐसा तो नहीं है कि जो डबल इंजन है वो आमने सामने टकरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोई नहीं समझ पा रहा है, बीजेपी को झूठ बोलती है, उसे सच बनाने के लिए अमरीका की कंपनी डिलाइट को हायर किया है। GDP 36% ग्रोथ करेगी और 200 करोड़ में अमरीका की डिलाइट कंपनी को हायर किया है जिससे झूठ को सच बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में भी सपा सबसे ज्यादा सीट जीतेगी। अगर गोरखपुर महानगर विकास करना है तो सपा महापौर प्रत्याशी काजल निषाद को जिताएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा, भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा और इसलिए सफाया होगा, जो इसलिए सफाया होगा कि ये $1 trillion की इकोनॉमी, $1 trillion की इकोनॉमी, कोई नहीं समझ पा रहा कि 1 trillion क्या है। और फिर जो बीजेपी झूठ बोलती है उसको सच बनाने के लिए अमेरिका की कंपनी डिलॉयट को हायर किया है। सोचिए आप, जो झूठ बोल दिया जाएगा, जैसे बेरोजगारी दर 100 में 4 बेरोजगार हैं, हमारी GDP 36% की ग्रोथ करेगी, तो ये जो झूठ बोले गए हैं उसको सच बनाने के लिए 200 करोड़ की डिलॉयट कंपनी को हायर किया है जिससे कि झूठ बोला जाए उसको सच में बदल दे। गोरखपुर में बरसात के महीने में पानी भर जाता है, ऐसे में अगर आपका मेयर बनता है तो बरसात के पानियों के लिए क्या उपाय करेंगे? देखिए, जहां समाजवादियों ने काम किया, अच्छा काम किया है, और हम लोग समझते हैं कि आखिरकार कैसे काम होना चाहिए। समाजवादियों को मौका मिलेगा तो ये जल भराव की समस्या का समाधान होगा। मेरे पत्रकार साथी, आपके आसपास सच बोलने वालों को जेल भेज दिया जाता है। कोई पत्रकार साथी अगर सच खबर दिखा दे तो जेल जाता है, सच बोलने वाला। और हमारे मुख्यमंत्री तो पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए, और मान लीजिए अगर वो मुकदमे वापस ना होते तो सूची कितनी लंबी होती, और अगर सूची में गिना जाता है कौन कहाँ कैसे हैं जिन पे सबसे ज़्यादा आपराधिक मामले हैं, तो सोचिए कहाँ पर नंबर होता उनका। कानून व्यवस्था बेहतर हो, माफियाओं पे न्याय कार्रवाई हो, लेकिन करोड़ में बन रहा हो और इतने समय गुजर जाने के बाद भी सड़क पूरी ना हो। लगातार इनकी सरकार है, सरकार बनते ही इनके बड़े बड़े लोगों ने झाड़ू लिया था अपने हाथ में, जगह जगह झाड़ू लगाया था। जो महंगाई आपको डीजल पेट्रोल की दिखाई दे रही है उसमें स्वच्छ भारत के नाम पर सेस लगा था। क्या कूड़ा समाप्त हो गया शहरों से? क्या जो उफनती हुई नालियां जो गंदगी से भरी हुई हैं क्या वो साफ़ हो गई हैं? हाउस टैक्स क्या कम हो गया है? बिजली की बिल क्या कम आने लगा है? क्या महंगाई पर कुछ नियंत्रण किया है? ये तमाम सवाल हैं जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। आज महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, इसीलिए ध्यान हटाने के लिए सरकार और मुख्यमंत्री जी के पास बहुत सारे जवाब और सवाल हैं। और गोरखपुर में मेट्रो बनेगी, मैंने झांसी भी देखा है, मेट्रो नहीं बनी, और आज गोरखपुर में देख करके जा रहा हूँ, मेट्रो नहीं बनी। मेट्रो का सपना देखना अच्छी बात है, क्योंकि आज के समय पर अर्बन इलाके में सेफ और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली अगर कोई लोगों की सुविधा के लिए हो सकती है तो वो मेट्रो एक चीज़ है जो हो सकती है। दुख इस बात का है, दिल्ली में सरकार इनकी, लखनऊ में सरकार इनकी, उसके बावजूद भी अगर बारिश आई गोरखपुर में तो लोगों को मेट्रो नहीं मिलेगी, उन्हें घरों से नाव निकालनी पड़ेगी, तब नाव से निकल करके यहाँ पर गलियों में निकल पाएंगे। जो मुख्यमंत्री अपने यहाँ नाला न बना पाएँ और पानी निकासी का इंतज़ाम न कर पाएँ, उन्हें दूसरों के काम से नहीं जलना चाहिए।
मुझे ये भी याद है कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के बारे में न जाने कितनी बातें कही जाती थीं, लेकिन बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे प्रधानमंत्री के उद्घाटन करने के बाद ही ढह गया और आज भी घाटे में है, आगरा है। लेकिन कर्नाटक में ताकत कितनी भी झोंक दे, वहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटा देगी। देखिए जिस समय अभी मैं संत कबीर नगर गया और जब मैं मंच पे चढ़ा तो मुझे कबीर का दोहा किसी ने हाथ में दिया, कैसी वाणी बोलिए मन का आपाक होए, और को औरों को भी शीतल करे खुद भी शीतल होए। तो मुख्यमंत्री जी को कम से कम अपनी भाषा पे नियंत्रण रखना चाहिए। और ये सदन में भी मैंने कहा, केवल आप एक शब्द उठा रहे हैं लेकिन सदन में अगर पूरा भाषण देखेंगे आप तो जानकारी हो जाएगी। जहाँ तक मिट्टी मिलाने की बात है, गोरखपुर के पिछले 5 साल के कार्यकाल के और इस साल का एक के कार्यकाल का बहुत जल्दी क्राइम की बुक हम लोग जारी करेंगे। जो मुख्यमंत्री अपने यहाँ क्राइम न रोक पाता हो, हत्याएं न रोक पाता हो, लूट न रोक पाता हो, जिस तरीके से पुलिस बेईमानी कर रही है वो न रोक पाता हो, तो उससे क्या उम्मीद करोगे आपकी कानून व्यवस्था बेहतर होगी। और फिर बात यहीं ख़त्म नहीं होती है, मुख्यमंत्री जी कार्यकारी DGP से काम चला रहे हैं, एक DGP रिटायर हो गया, कार्यकारी DGP, इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि कार्यकारी DGP नहीं बन पाए और रिटायर हो गए, अब दूसरे DGP का यही नंबर है। और फिर जो डबल इंजन की बात कर रहे हैं आप, अखबार पढ़ा मैंने, कई जगह से सूचना मिल रही है कि दिल्ली की संस्था उत्तर प्रदेश के व्यापारी और संदेश ये है कि यहाँ पर काजल निषाद को जिताइए और अपना सरकार बदलने का सिलसिला शुरू करिए। क्या ट्रिपल इंजन? अरे भाई पत्रकार साजी समझे नहीं, दिल्ली और लखनऊ के इंजन दोनों टकरा रहे हैं आमने सामने। तमाम आरोप लगे हैं, आरोप लगते रहे, एक बात आपसे जानना चाहेंगे, साहिस्ता तमाम बातें हैं, इसमें किसके सर पर अभी तक बची है, इसके बारे में कुछ कहना? कौन साहिस्ता? देखिए मैं बहुत सी चीजों में नहीं जाना चाहता हूँ, ये उत्तर प्रदेश के बारे में अगर बात और जानना चाहते हो तो बताइए आप। अखिलेश जी क्या वो रीजन है कि एक तरफ आप महंगाई बता रहे हैं, आम जनता महंगाई से त्रस्त है, दूसरी तरफ क्राइम से त्रस्त है, आखिर वो क्या वो रीजन है कि फिर भी आम जनता जो है कमल छोड़कर साइकिल तक सवार होने में 100 बार सोचने को मजबूर है, आखिर वो विश्वास आपकी किसने बता दिया आपको? अगर आप उत्तर प्रदेश का पुराना रिजल्ट भी उठा करके देखोगे तो क्या हार हुई है, कहीं 30 वोट से, कहीं 100 वोट से, कहीं 500 वोट से, कहीं 600 वोट से, 3.5 लाख वोट अगर ज़्यादा मिला हो तो आज परिवर्तन दिखाई देता। हमें उम्मीद है कि जनता के बीच में समाजवादी लोग जा रहे हैं और आपको परिवर्तन आगे दिखाई देगा, और नफ़रत की राजनीति के खिलाफ वोट पड़ेगा, जो नफ़रत फैला रहे उसके खिलाफ पड़ेगा। तमाम ऐसे लोग जो संविधान को बचाना चाहते हैं, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने सपना दिखाया था उस सपने पे देश को चलाना चाहते हैं, आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हैं, आपका यही एम्स है, क्या यहाँ पर इतने सालों के बनने के तमाम बातें हैं, इसमें किसके सर पे अभी तक बची हैं, इसके बारे में कुछ कहना? कौन? देखिए मैं बहुत सी चीज़ों में नहीं जाना चाहता हूँ, ये उत्तर प्रदेश के बारे में अगर बात और जानना चाहते हो तो बताइए आप। अखिलेश जी क्या वो रीजन है कि एक तरफ आप महंगाई बता रहे हैं, आम जनता महंगाई से त्रस्त है, दूसरी तरफ क्राइम से त्रस्त है, आखिर वो क्या वो रीजन है कि फिर भी आम जनता जो है कमल छोड़कर साइकिल तक सवार होने में 100 बार सोचने को मजबूर है, आखिर वो विश्वास आप किसने बता दिया आपको? अगर आप उत्तर प्रदेश का पुराना रिजल्ट भी उठा करके देखोगे तो क्या हार हुई है, कहीं 30 वोट से, कहीं 100 वोट से, कहीं 500 वोट से, कहीं 600 वोट से, 3.5 लाख वोट अगर ज़्यादा मिला हो तो आज परिवर्तन दिखाई देता। हमें उम्मीद है कि जनता के बीच में समाजवादी लोग जा रहे हैं और आपको परिवर्तन आगे दिखाई देगा, और नफ़रत की राजनीति के खिलाफ वोट पड़ेगा, जो नफ़रत फैला रहे उसके खिलाफ पड़ेगा। तमाम ऐसे लोग जो संविधान को बचाना चाहते हैं, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने सपना दिखाया था उस सपने पर देश को चलाना चाहते हैं, आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हैं, आपका यही एम्स है, क्या यहाँ पर इतने सालों के बनने के बाद ऑपरेशन होने लगे, क्या दवाइयाँ मिलने लगी? जो चाइल्ड के लिए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना था
सरकार पे बजट नहीं बताओ, डबल इंजन की सरकार है, आप चार फ्लोर खा गए? चार फ्लोर क्यों खा गए आप? क्या बच्चों को इलाज मिल रहा? क्या पर्याप्त जो मेडिकल कॉलेज में जो व्यवस्था है वो पूरी है क्या? तो ये तमाम सवाल हैं जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी पे नहीं है, इसीलिए जानबूझ करके वो नफरत की राजनीति और नफरत के कैसे बीज डाले जाएं। आज में पहली बार ऐसा होगा कि कार्यकारी डीजीपी डीजीपी नहीं बन पाए और रिटायर हो गए, अब दूसरे डीजीपी का यही नंबर है। और फिर जो डबल इंजन की बात कर रहे हैं आप, अखबार पढ़ा मैंने, कई जगह से सूचना मिल रही है कि दिल्ली की संस्था उत्तर प्रदेश के व्यापारी और गोरखपुर के व्यापारी का छापा मार रही है, और यूपी की एसटीएफ दिल्ली में छापा मार रही है। सोचो, दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर जहाँ रहते हैं उसके आसपास के इलाके में इतनी सिक्योरिटी है, उसके बावजूद कोई उनका वाईफाई यूज़ कर रहा हो, धोखा दे रहा हो भारतीय जनता पार्टी के नाम पर, उनके नेताओं से मिलकर के धोखा दे रहा हो, तो दिल्ली की बड़ी बड़ी एजेंसियों को नहीं पता लगा ये कौन है? उत्तर प्रदेश की एसटीएफ को पता लग गया, और जैसे ही उत्तर प्रदेश की एसटीएफ को पता लगा कि वहाँ पर कोई है, वैसे ही दिल्ली की एक संस्था को पता लग गया कि गोरखपुर में कर चोरी हो रही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं जो डबल इंजन है वो आमने सामने टकरा रहे हों? क्या लग रहा है कि 2024 में किस तरह का मुकाबला होगा? 24 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। अच्छा अखिलेश जी, और इसलिए सफाया होगा अखिलेश जी, बार बार जो इसलिए सफाया होगा कि ये वन ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी कोई नहीं समझ पा रहा कि वन ट्रिलियन क्या है। और फिर जो बीजेपी झूठ बोलती है उसको सच बनाने के लिए अमेरिका की कंपनी डिलॉयट को हायर किया है। सोचिए आप, जो झूठ बोल दिया जाएगा, जैसे बेरोजगारी दर 100 में 4 बेरोजगार हैं, हमारी जीडीपी 36% की ग्रोथ करेगी, तो ये जो झूठ बोले, झाड़ू लिया था अपने हाथ में, जगह जगह झाड़ू लगाया था, जो महंगाई आपको डीजल पेट्रोल की दिखाई दे रही है उसमें स्वच्छ भारत के नाम पर सेस लगा था, क्या कूड़ा समाप्त हो गया शहरों से? क्या जो उफनती हुई नालियां जो गंदगी से भरी हुई हैं क्या वो साफ हो गई हैं? हाउस टैक्स क्या कम हो गया है? बिजली की बिल क्या कम आने लगा है? क्या महंगाई पे कुछ नियंत्रण किया है? ये तमाम सवाल हैं जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। आज महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, इसीलिए ध्यान हटाने के लिए सरकार और मुख्यमंत्री जी के पास बहुत सारे जवाब और सवाल है। अच्छा अखिलेश जी, जो लगातार माफियाओं की बात की जाती है, माफियाओं की बात की जाती है, लेकिन कर्नाटक में कितनी भी झोंक दें, वहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटा देगी। डबल अखिलेश जी लगातार बार बार कहते हैं कि माफियाओं की सरकार है, माफियाओं को क्या लगता है अति का और अशरफ की हत्या से माफिया मिट्टी में मिल रही है, माफिया गिरी बढ़ेगी? अभी मैं संत कबीर नगर गया और जब मैं मंच पे चढ़ा तो मुझे कबीर का दोहा किसी ने हाथ में दिया, कैसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और को औरों को भी शीतल करे खुद भी शीतल हों। तो मुख्यमंत्री जी को कम से कम अपनी भाषा पे नियंत्रण रखना चाहिए, और ये सदन में भी मैंने कहा, केवल आप एक शब्द उठाने लगे सदन में, अगर पूरा भाषण देखेंगे आप तो जानकारी हो जाएगी। जहाँ तक मिट्टी मिलाने की बात है, गोरखपुर के पिछले 5 साल के कार्यकाल के और इस साल का एक कार्यकाल का बहुत जल्दी क्राइम की बुक हम लोग जारी करेंगे। जो मुख्यमंत्री अपने यहाँ क्राइम न रोक पाता हो, हत्याएं न रोक पाता हो, लूट न रोक पाता हो, जिस तरीके से पुलिस बेईमानी कर रही है वो न रोक पाता हो, तो उससे क्या उम्मीद करोगे आपकी कानून व्यवस्था बेहतर होगी? और फिर बात यहीं ख़त्म नहीं होती।